नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा का इंडिया गठबंधन अधर में अटका हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों पार्टियों के बीच खींचातानी चल रही है। अभी तक दोनों नेताओं के बीच न कोई सहमति बनी है और न ही कोई फॉर्मूला। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द ही गठबंधन टूट सकता है। हालांकि इसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसी बीच डिंपल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर कयास लगाया जा रहा है कि जल्द ही अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या कुछ कहा है डिंपल यादव ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन टूटने की चल रही अटकलों पर मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। डिंपल यादव ने कहा कि हमें जहां से जिसको चुनाव लड़ाना है वो सब हमने ऑलरेडी तय कर लिया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि मैं समझती हूं कि मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी भाजपा का सामना करने जा रही है। सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं। डिंपल यादव ने कहा कि अगर कुछ होता है तो सबको पता चल ही जाएगा। इसके आगे डिंपल यादव ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में अखिलेश यादव के न शामिल होने के सवाल पर कहा कि मैं तो यहां मैनपुरी में हूं, क्योंकि यह क्षेत्र मेरा है, मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है। इसके आगे जब उनसे सपा के प्रत्याशी लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम न होने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी का मामला है, जल्द ही पता चल जाएगा कि कौन कहां से लड़ रहा है। इतना ही नहीं, बसपा के साथ गठबंधन को लेकर डिंपल यादव ने कहा कि बसपा के बारे में कुछ नहीं कह सकती हूं। इसके आगे डिंपल यादव ने यूपी पुलिस भर्ती में पेपर लीक को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा और कहा कि यह भर्ती जो निकली है आज आपको पता है कि इसमें कितनी धांधली हुई है, पहले से ही पेपर लीक हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को एक कमेटी बनाकर उसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि पेपर लीक हुआ है तो युवाओं के साथ यह अन्याय होगा। डिंपल यादव के ऐसे बयान से पता चल रहा है कि उनको खुद ही नहीं पता कि उनके घर यानी समाजवादी पार्टी में क्या चल रहा है। जिसको ये ना पता हो कि उनके घर का माहौल क्या है, वो देश और प्रदेश के माहौल के बारे में क्या जानेगा। खैर, देखने वाली बात ये होगा कि क्या इंडिया गठबंधन यूपी में भी टूट जाएगा। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।